हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस सब कैसे हो? सब मजे में ही होंगे और यस अच्छे से सब पढ़ाई करते भी होंगे। ओके यस अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करते रहिए, बिकॉज मैथ्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ प्रैक्टिस। जितने ज्यादा एग्जाम्पल्स करोगे यस उतना ही आपको बेनिफिट रहेगा। ओके सो यस हमने एज यू ऑल आर अवेयर दैट कि हमने बाइनोमियल थ्योरम दैट मींस एक्सपांशन वाला चैप्टर स्टार्ट किया है। ओके बेसिक चीजें हमने देख ली है, कुछ एक्सपांशन भी हमने लास्ट लेक्चर में देख लिए थे। ओके नाउ उसके बेस पे कुछ आगे एग्जांपल कर रहे हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पे कंप्यूट 98 raised to 5, इस 98 का फिफ्थ पावर में फाइंड करना है। ओके ऑब्वियसली यू मस्ट हैव अ कैलकुलेटर, तो आप ये चीज कर सकते हो। ओके बट यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम ये हमें कहा गया होगा, यस यहाँ पे 98 raised to 5 तुमको 98 कैसे पार्ट करने हैं कि उसमें से एक कई ये पावर्स हम इजीली फाइंड कर सके। तो यस वी नो दैट 98 का नियरेस्ट जो डेसिमल प्लेस पे जीरो ऐसा नंबर है 100, दैट इज 98 की जगह पे 100 minus 2 हम लिख सकते हैं। 100 का कोई भी पावर इजीली कर सकते हैं और 2 का भी कर सकते हैं, जिससे वो बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल करके ये वैल्यू हम इजिली फाइंड कर सकते हो। ओके लेट अस सेम फास्ट करते हैं, ये चीज यहाँ पे ये चीज फाइंड कर ली है, दैट इज 98 raised to 5, दिस इज नथिंग बट 100 minus 2 raised to 5। नाउ यहाँ पे और कुछ नहीं हुआ, जो हमने फाइंड किया है a माइनस बी होल रेस टू फाइव, ये उसका एक्सपेंशन लिखना है। a की जगह पे 100 लिखना है और b की जगह पे 2 लिखना है, दैट्स इट। तो n इज इक्वल टू 5 है, तो यस इसका आंसर क्या होगा, 5c 0 100 raised to 5 into 2 raised to 0 minus, है तो यस प्लस और माइनस, नेक्स्ट टर्म माइनस, सेकंड वाला टर्म 5c 1, ओके 100 a इज इक्वल टू 100 है, 5 minus 1 दैट इज 4 और इंटू बी बी रेस टू 1 प्लस 5c 2, 100 का क्यूब 1 क्यूब और 2 का स्क्वायर माइनस 5c 3, यस इसका पावर कम होता हो जाएगा, इट मीन्स उसका इंडेक्स कम होता हो जाएगा, 2 का इंडेक्स बढ़ता हुआ जाएगा, 2 raised to 0 2 raised to 1 2 raised to, इस तरह से 100 raised to 5 4 3, यहाँ पे 2 और इसका डिफरेंस ये दैट इज वो a का इंडेक्स होगा और ये वो 2 का 2 cube, yes, प्लस 5c 4, ये होगा 100 2 raised to 4 माइनस 5c 5 2 raised to 5। ओके नाउ 5c 0 वी नो दैट 1 into 100 raised to 5, ओके सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 raised to 5, ओके माइनस सेकंड वाले में 5c 1 दैट वी नो 5 into 100 raised to 4, तो यस 1 3 4 5 6 7 8, ये चीज होगा और इंटू 2 plus 5c 2, दैट मीन्स ये 5 into 4 2 into 1 into 100 का क्यूब दैट इज 1 1 6 into 4, ओके माइनस यस 5c 3, इट्स नथिंग बट 5c 2 ओनली, एनसीआर इज इक्वल टू एनसीएन माइनस आर, तो इस हिसाब से यही वैल्यू हम लिखेंगे। यस ये आप कर सकते हो आप डायरेक्ट, नो प्रॉब्लम। ओके 100 का स्क्वायर दैट इज 1 2 3 4 into 8 प्लस 5c 4, इट्स नथिंग 5c 1, तो 5 हो जाएगा into 100 into 16 माइनस यस 1 into 2 raised to 5 32, यस यहाँ पे कट करेंगे 2 ज़ा, ओके फाइन। नाउ वी कैन राइट 1
10 minus 5 is a 10. Plus यहाँ पे 5 2 10 4 ओके तो ये 4 और 1 2 3 4 5 6 7 इसका एक आ जाएगा ओके 0 माइनस 10 8 1 2 3 4 5 ओके प्लस 16 5 8 8000 32 यस yes. अब ये चीज आप कैलकुलेटर से कर सकते हो यस yes, सर प्लस माइनस करके इस कैलकुलेटर से करोगे तो आपका आंसर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ये आना चाहिए 9039207968 You will get the answer. If you do the plus minus, yes, you will get the answer. This is the same answer. Okay? So, just this way, simple things to do. Application is how to do it. Okay? Exercise, I will give you 5 in all of them. Yes, 96, then 101, 102. It is like this. You will do it. Okay? So, just do it fast. Next example. Yes, student, I have written next example. This is very simple. Which is larger? 1.01 raised to 10 lakh or 10,000. 10,000 or 1.01 raised to 10 lakh. इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है वो हमको करना है. Yes, 10,000 तो वो दिया हुआ है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे. Now we have a binomial expansion. Okay? किसी भी टू टर्म्स के algebraic sum या डिफरेंस का कोई भी पावर होगा कोई भी इंडेक्स होगा दैट वी कैन फाइंड नाउ विद द हेल्प ऑफ binomial expansion. Okay, but यहाँ पे you so don't bother about that thing. यहाँ पे 10 lakh power है तो इसके expansion में 10 lakh one terms आएंगे वो लिखने पड़ेंगे. No, हमें कुछ लिखने पड़ेंगे. Initially एक दो या at the most दो लिखोगे आपको अंदाजा आ जाएगा कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको हम binomial में ऐसा नंबर से सेपरेट करेंगे कि जिसका हम जो इंडेक्स है कोई भी इंडेक्स वो इजिली फाइंड कर सके. तो यस 1.01 को हम 1 + 0.01 इस तरह से लिख सकते हैं. फिर यही चीज इस्तेमाल करना है a + b = 2 वही चीज करना है. देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट ये 1.01 raised to 10 lakh = 2 Yes, 1.01 की जगह 1 + 0.01 raised to 10 lakh हम लिख सकते हैं. Now it's nothing a + b. Yes, हमारे पास 1 + x + 10 का एक्सपेंशन है ना उसी तरह से 1 + x की जगह पे 0.01. सो यही चीज करनी है हमें कुछ नहीं करनी है. ठीक है, तो यस यहाँ पे क्या होगा हमारे पास 10 lakh C0 × वो 1 ही होगा क्योंकि 1 का कोई भी पावर 1 आएगा. फिर नेक्स्ट टर्म यस 1 + x + 10 का जो एक्सपेंशन है उस हिसाब से 1 + x + 10 = NC0 + NC1 × x + NC8 × NC2 × x² + NC3 × x³ up to NCN × x + 10. यस उस हिसाब से ही करना है. यहाँ पे 10 lakh C0 + 10 lakh C1 यस ये होगा अब 0.01. यस वी कैन सी दैट यहाँ पे ये 10 लाख होगा इंटू 0.01 10,000 हो जाएगा ये 1 हो जाएगा. यस अब जो बाकी टर्म है यहाँ पे सम है प्लस अदर टर्म्स. ओके नाउ NC0 वी नो दैट 1 सो 10 लाख C0 दैट विल बी 1 सो ये 1 होगा. Oh, yes, we know that NC1 is equals to N. So 10 lakh C1, that will be 10 lakh into 0.01 plus other terms. सारे लिखने की जरूरत नहीं है सब सब में आएगा एडिंग होंगे ये 1 + ये 2 0 कट होंगे तो ये से होगा 10,000 plus other terms
इज इक्वल्स टू ये होगा 10,001 प्लस अदर टर्म्स. ओके यस, यहाँ पे एक ही हम दो टर्म्स लिखे तो वो 10,000 से ज्यादा आ रहे हैं, बाकी के टर्म्स ऐड करें तो ऑब्वियसली ये 10,000 से ज्यादा ही होगा. तो यस, सो देयरफॉर वी कैन से दैट 1.01:1 lakh इज ग्रेटर देन 10,000. दैट्स इट, विच इज लार्जर. तो 1.01:10 lakh इज लार्जर देन 10,000. यस, इस तरह से. यस, ये सिंपल चीजें हैं, बेसिक, बहुत ही इजीली ये चीजें करना है. ओके, आराम से हो जाएगा. उसमें सब टर्म्स नहीं लिखने, सब सिर्फ दो टर्म लिखोगे आप. फर्स्ट टू सिर्फ 1.01 को 1+0.01 में कन्वर्ट करके आप 1+x+2 n का एक्सपांशन करना है. उसमें फर्स्ट टू टर्म ही लिखना है, बाकी के जस्ट अदर टर्म्स होंगे ऐसे लिख के आप छोड़ोगे. यू विल कम टू अंडरस्टैंड कि यस किस तरह से ये चीज. यस, ये दो टर्म्स में ही 10,000 के ऊपर जा रहा है, बाकी के टर्म्स अभी तो ऐड करने के बाकी, तो ऑब्वियसली ये 10,000 के ऊपर ही होगा. तो यस, विच इज इट इज लार्जर देन 10,000, ऐसा हम कह सकते हैं. ओके, इट वॉज क्वाइट सिंपल. ओके, तो ये क्विकली ये चीज देख लीजिए. इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल जो देखना है दैट इज एन इम्पोर्टेंट वन. ओके, वो मजा आए ऐसा है. ओके, सो जस्ट डू इट फास्ट. ये स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने ये एग्जाम्पल लिखा है, इट्स एन इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल और JEE पॉइंट ऑफ व्यू के से भी ये इम्पोर्टेंट चीज है, और JEE में इसके बेसिस पे कई बार एग्जाम्पल पूछे गए हैं. ठीक है, यस, यूजिंग बायनोमियल थ्योरम प्रूव दैट 6n-5n ऑलवेज लीव्स रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 25. ओके, नाउ ये चीज देखनी होगी ना, तो दैट मीन्स मुझे व्हेन दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 25 इट ऑलवेज लीव्स रिमाइंडर 1, ऐसा मुझे दिखाना है. ठीक है, तो इस तरह से दिखाना होगा. तो पहले हम एक नोट देखते हैं, यस, सिंपल चीजों से हम देखते हैं. यस, लेट अस से मैं 10/3 ये चीज में लिख रहा हूं. ठीक है, इस 10/3 दैट मीन्स यहां पे 10/3, तो ये 3 3 9 1 फर्दर ये नहीं हो जाएगा. तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, दैट मीन्स या ये 10 को हम 10 = 3 × 3+1. ओके, नाउ यस 10/3 है, तो यस 10 को मुझे एक्सप्रेस करना है, तो यस 10 = यस, सो दैट मीन्स 10 को 3 से डिवाइड करूंगा तो मुझे रिमाइंडर 1 मिलेगा. ओके, इस तरह से. ओके, ये होगा क्वेश्चन है ये, और ये है रिमाइंडर. इन जनरल हम लेंगे, लेट अस से हम a/b इस तरह से. ओके, और ऑलवेज आप ये चीज ध्यान में दोगे, वो जो रिमाइंडर है वो जिससे हम डिवाइड करते हैं उस नंबर से छोटा ही होना चाहिए. ओके, ना यहाँ पे लेट अस से अब मैं इन जनरल दो नंबर्स ले रहा हूं, a और b, a/b. तो यस, यहाँ पे कोई क्वेश्चन इस तरह से आएगा, और यस यहाँ से करते हुए जाएंगे तो कुछ रिमाइंडर बचेगा, 0 भी बच सकता है या तो ओ कहीं. तो यस, यहाँ से इस लॉजिक के हिसाब से मुझे a को एक्सप्रेस करना है, तो a = कैन आई राइट लाइक दिस क्वोशंट इनटू b+r, वेयर r की वैल्यू 0 < r < b, जो डिवाइजर है. ओके, उससे वो कम ही होगा रिमाइंडर. ओके, क्योंकि इससे बड़ा होगा तो फर्दर डिवीजन होगा. तो यस, यहाँ पे a = qb+r ऐसा लिखने का मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स व्हेन a इज डिवाइडेड बाय b इट विल हैव अ रिमाइंडर r. ओके, यस, दैट मीन्स फॉर एनी नंबर इफ इट इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस qb+r, दैट मीन्स अगर a को b से डिवाइड किया तो यस उसका जो रिमाइंडर है वो r. सो इन जनरल वी कैन राइट in general for any two numbers a and b
इफ वी कैन रिप्रेजेंट ए इज इक्वल्स टू क्यू इंटू वी प्लस आर देन वी कैन से दैट when A is divided by B, it will leaves remainder R. Okay, yes, it's yes, just a minute, okay, yes. 10 को 3 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 3 आएगा, दैट मीन्स 10 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 प्लस 1. ओके, तो यस यहां पे मैं हम जनरल तरीके से जा रहे हैं, 10 बाय 3 की जगह पे मैं a डिवाइड बाय b, a को मैं b से डिवाइड करता हूं, तो यस इस तरह का कोई क्वेश्चन में नंबर आएगा या कोई रिमाइंडर में आएगा. ओके, और रिमाइंडर ऑलवेज ये जो b है उससे कम होगा, और 0 0 से बड़ा बट b से कम वो चीज रहेगा. ओके, क्योंकि उससे बड़ा होगा तो फर्दर डिविजन हो सकेगा, सो आर शुड बी ऑलवेज लेस देन द डिवाइजर, जिससे हम डिवाइड करते हैं उस नंबर से वो कम रहेगा. ओके, तो नाउ अगर हम दो नंबर्स ए और बी के लिए, दैट मीन्स यहाँ पे इसके ऊपर से हम ए इज इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन प्लस आर ये डिवाइडर लिख सकते हैं, तो दैट मीन्स किसी दो नंबर्स ए और बी के लिए अगर हम रिप्रेजेंट कर पाए ए इज इक्वल टू क्यू बी प्लस आर, दैट मीन्स ये भी कुछ नंबर्स ही रहेंगे. ओके, दैट मीन्स ए इज इक्वल टू क्यू बी प्लस आर, दैट मीन्स हम कह सकते अगर ए को बी से डिवाइड करते हैं तो यस इट विल हैव अ रिमाइंडर आर, ऐसा हम इसको कह सकते हैं. ओके, सो जैसे यहाँ पे ए से बी को डिवाइड करना है. ओके, नाउ यहाँ पे इस सिचुएशन को अगर मैं यहाँ पे कन्वर्ट करूंगा यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, प्रूव दैट 6n-5n ऑलवेज लीव्स रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 25. That means मुझे ये इस नंबर को 25 से डिवाइड करूंगा तो ऑलवेज रिमाइंडर 1, दैट मीन्स मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा हियर टू प्रूव दैट व्हेन 6n-5n इज डिवाइडेड by 25, then it always leaves remainder 1. We must show that 6n-5n is equals to 25 into some number plus 1. ये मुझे अगर मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूं 6n-5n को 25 into some number plus 1, then we can say that 6n-5n को 25 से डिवाइड करेंगे तो always leaves a remainder 1. इस तरह से ये जो चीजें हम कर रहे थे, यस ये थोड़ा उल्टा लॉजिक है, यस हम इस नंबर के ऊपर से ये चीज लिखते हैं, लेकिन अगर नंबर इस तरह से एक्सप्रेस किया गया होगा a इज इक्वल टू क्यू बी प्लस आर, इसका मतलब ये निकलेगा कि a को अगर b से डिवाइड किया जाएगा तो यस इट विल ऑलवेज लीव रिमाइंडर आर. हमको ये चीज प्रूव करनी है 6n-5n को 25 से डिवाइड करेंगे तो वो 1 रिमाइंडर देगा, तो वो कैसे हम प्रूव कर पाएंगे, तो यस इस एक्सप्रेशन को अगर हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर पाए इट इज इक्वल्स टू 25 इंटू सम नंबर प्लस 1, देन यस इसका मतलब होगा इस एक्सप्रेशन को 25 से डिवाइड करेंगे तो यस इसका रिमाइंडर ऑलवेज 1 रहेगा. ओके, तो यस ये चीज हमें यहाँ पे करनी है, तो यस यहाँ पे एग्जाम्पल अब स्टार्ट होगा, दैट मीन्स यहाँ पे 6n-5n, इसको सिंप्लीफिकेशन करते हुए जाना है. ओके, 25 यानी कि 5 का मल्टीपल हुआ, यहाँ पे 5 है या 6 है तो 6 को यस 5 के मल्टीपल में 6 इज इक्वल टू 1 प्लस 5 हम लिख सकते हैं, तो यस यहाँ पे 6 की जगह पे हम लिखेंगे 1 प्लस 5 रेस टू n
माइनस फाइव एन। नाउ अभी तो ये हमारे पास है ही, वन प्लस एक्स प्लस टू एन का जो एक्सपांशन है वही वन प्लस एक्स प्लस टू एन, दैट इज एन सी जीरो प्लस एन सी वन इंटू एक्स प्लस एन सी टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ये। इस तरह से हम लिखते हैं तो ये उस हिसाब से एक्स की जगह पे यहाँ पे फाइव है तो इसका एक्सपांशन होगा एन सी जीरो प्लस सॉरी एन सी वन इंटू फाइव, एक्स की जगह पे फाइव है ओके, वन प्लस एक्स प्लस टू एन दैट इज वन एन सी जीरो प्लस एन सी वन इंटू एक्स। उस हिसाब से नेक्स्ट टर्म होगा एन सी टू इंटू फाइव का स्क्वायर प्लस एन सी थ्री इंटू फाइव का क्यूब डैश डैश डैश। इस तरह से फाइव के इंडेक्स बढ़ते हुए जाएंगे, इसका जो लास्ट टर्म रहेगा वो एन सी एन इंटू फाइव इज टू एन, ये चीज हो गई वन प्लस फाइव इज टू एन का एक्सपांशन माइनस फाइव एन। यस यहाँ पे लिख सकते हैं बिकॉज वन प्लस एक्स प्लस टू एन इज इक्वल्स टू एन सी जीरो एन सी वन एक्स एन सी टू एक्स स्क्वायर डैश 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 एन सी एन एक्स प्लस टू एन। यस उस हिसाब से मैंने ये चीज लिखी है। नाउ यहाँ पे देखेंगे तो यस एन सी जीरो वी नो दैट वन प्लस एन सी वन दैट वी नो एन इंटू फाइव प्लस यस बाकी के टर्म ऐसे रहने दीजिए एन सी टू इंटू फाइव स्क्वायर प्लस एन सी थ्री। यस इसको सिंप्लीफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, यस ये जो एन सी आर है वो कोई नंबर ही आएगा, नेचुरल नंबर ही आएगा। एन सी एन इक्वल्स टू वन, सो यहाँ पे फाइव इज टू एन माइनस लास्ट वाला फाइव एन, यहाँ पे यस एन फाइव इज फाइव एन फाइव एन, ये दो कट हो गए ओके। ना ये बाकी के टर्म्स देखोगे वन के अलावा बाकी के टर्म में से फाइव स्क्वायर कॉमन निकलेगा क्योंकि फाइव स्क्वायर फाइव क्यूब, इस तरह से फाइव के पावर बढ़ते हुए जाएंगे, फाइव इज टू एन होगा तो इन सारे में से फाइव स्क्वायर कॉमन निकलेगा। तो यस ये टर्म हम लिख सकते हैं फाइव स्क्वायर में कॉमन निकालूंगा तो यस ब्रैकेट में एन सी टू प्लस ये एन सी थ्री इंटू फाइव प्लस एन सी फोर इंटू फाइव स्क्वायर इस तरह के टर्म आएंगे और लास्ट में फाइव एस टू एन माइनस टू, क्योंकि फाइव स्क्वायर कॉमन निकाल रहा हूं ये वन में पीछे लिख रहा हूं, सो यस फाइव स्क्वायर दैट इज ये 25। और यस वी नो दैट जो एनसीआर के जो फॉर्मी जो भी फॉर्मूला है वो कोई नेचुरल नंबर आंसर रहेगा, तो यस ये सारे नेचुरल नंबर्स रहेंगे, यस कोई पॉजिटिव नंबर होगा तो यस यहाँ पे हम 25 के प्लस वन वेयर k इज इक्वल्स टू एन सी टू प्लस एन सी थ्री इंटू फाइव एन सी फोर इंटू फाइव स्क्वायर डैश 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 फाइव एस टू एन माइनस टू एंड इट विल बी सम इंटीजर ओके। सो दैट मीन्स यहां पे अल्टीमेटली हमने ये प्रूव किया 6 प्लस टू एन माइनस फाइव एन इज इक्वल टू 25 के प्लस वन वेयर के इज इक्वल टू सम इंटीजर। सो व्हाट वी कैन से इट विल एक्चुअली सम पॉजिटिव इंटीजर एक्चुअली ओके। सो यस ये जो लॉजिक था हमें प्रूव करना था 6 प्लस टू एन माइनस फाइव एन व्हेन इट इज डिविजिबल डिवाइडेड बाय 25 इट ऑलवेज रिमेंबर रिमाइंडर वन, दैट मीन्स हमको इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करना 25 इंटू सम नंबर प्लस वन। यस ये चीज हो गई देयरफॉर यस देयरफॉर वी कैन से दैट 6 रेज टू एन माइनस फाइव एन ऑलवेज लिव्स रिमाइंडर वन डिवाइडेड बाय 25 ओके। ये इस तरह से होता है ठीक है, वंस अगेन आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग, हमको इसको व्हेन 25 इज डिविजिबल डिवाइडेड बाय 25 इट ऑलवेज गिव रिमाइंडर वन, इस तरह से हमें प्रूव करना है। तो यस किसी भी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो यस कोई रिमाइंडर बचता है, जैसे कि 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यस रिमाइंडर वन बचेगा दैट वी नो, बट 10 इज इक्वल्स टू दैट मीन्स हम किस तरह से रिप्रेजेंट करें 10 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 प्लस 1 दैट मीन्स अगर 10
को हम 3 × 3 + 1 में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? अगर 10 को 3 से डिवाइड करोगे तो इट विल गिव अ रिमाइंडर ऑफ 1। तो यस, यहाँ पे ये रियल नंबर्स लिए थे, उसकी जगह पे और कोई नंबर ए और बी हम इन जनरल में ले रहे हैं। अगर ए डिवाइड बाय बी, तो यस ये इस तरह से डिविजन करेंगे तो कुछ क्वेश्चन आएगा, कोई रिमाइंडर आएगा, तो हम ए को किस तरह से रिप्रेजेंट कर पाएंगे? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन प्लस आर। तो यस, अगर ए और बी ये दो नंबर के लिए, अगर ए इज इक्वल टू क्यू बी प्लस आर, इस तरह का रिलेशन हम एस्टेब्लिश करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि ए को बी से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर आर रहेगा। यहाँ पे इसको 25 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर एक बचता है, 1 बचता है, वो हमें दिखाना है। इसको हमको किस तरह से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा? इट इज इक्वल टू 25 × some integer + 1, वो फॉर्म मुझे दिखाना पड़ेगा। तो यस, मैंने 6 × 10⁻⁵ इन ये एक्सप्रेशन मैंने ले लिया। यस, दैट्स इट। बाकी आगे बढ़ते हुए जाना है। यहाँ पे हमें 25 से डिविजिबल है, तो यस 25 कॉमन निकले, 5 का मल्टीपल, 25 से 5 का मल्टीपल, तो यस 5 वाले टर्म्स करने, यस ये ऑलरेडी 5 है। यहाँ पे हम 1 + 5 लिख सकते हैं, यस फिर इसका एक्सपांशन करेंगे, 5 × 5 कट हो जाएगा, 1 बचेगा, बाकी के जो टर्म्स है इसके एक्सपांशन में, उन सारे टर्म में से 25 कॉमन निकलेगा। तो 6 × 10⁻⁵ को हम 25 × some number + 1 इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरह से रिप्रेजेंट करके दिखाया, इसका मतलब 6 × 10⁻⁵ को व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 25 इट विल ऑलवेज लीव्स रिमाइंडर 1, ऐसा हम कह सकते हैं। ओके, सो यस, इस तरह से ये एग्जांपल करने हैं। ओके, और मैं एक एडिशनल एग्जांपल भी दिखा रहा हूँ, फिर इस तरह का आपको एक्सरसाइज में भी एग्जाम्पल है, वो आपको खुद करना है, लेकिन मैं एक एडिशनल और एग्जाम्पल इसमें दिखा रहा हूँ। ओके, सो जस्ट राइट डाउन क्विकली। ये स्टूडेंट, ये जो लास्ट वाला एग्जाम्पल था उसके लाइन पे ये एग्जाम्पल मैंने लिखा है, ठीक है। शो दैट फॉर एवरी नेचुरल नंबर n, 3 × 2n + 2 − 18 − 9 इज डिविजिबल बाय 16। यहाँ पे रिमाइंडर की बात नहीं कही गई है, यहाँ पे इट इज डिविजिबल बाय 16, ये चीज का हमें कहा गया है। ओके, तो ये चेक करना है, जैसे ये nth पावर वगैरह आएगा तो वो बायनोमियल एक्सपांशन नेचुरल नंबर हमें कहा गया है, ठीक है। तो यस, यहाँ पे डिविजिबल बाय 16, दैट मीन्स यहाँ पे हमें क्या प्रूव करके दिखाना पड़ेगा? दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 16 × some integer, अगर ऐसा इस तरह के हम दिखा देंगे तो ये 16 से डिविजिबल है, ऐसा हम कह पाएंगे। तो यस, यही चीजें करनी है। तो यस, यहाँ पे लेते हुए जाए जो एक्सप्रेशन दिया है हमें, 3 × 2n − 2 − 18 − 9। ओके, जैसे यहाँ पे जितना हो सके उतना सिंप्लीफिकेशन करना है हमें। ओके, और n कहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है? यहीं पे हो रहा है, ठीक है। तो यस, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 18 है और 9 है। क्या करेंगे? फर्स्ट तो यहाँ पे ये 3 × 2n × 3² इस तरह से हम इसको सेपरेट करेंगे, यहाँ पे −18 − 9, ये चीज रहा, यस 3² यानी कि 9 रहेगा। अब यहाँ पे ये चीज आया 3 × 2n, ये चीज कहा गया है, जैसे यहाँ पे 8 और 9 के एक्सप्रेशंस है, 8 लाना है तो 3 में से 8 नहीं ला पाएंगे, बट इसकी जगह पे मैं 3² ⁄ⁿ इस तरह से लिख सकता हूँ। तो इससे क्या होगा, 3² यानी 9 को मैं 8 में एक्सप्रेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो जिस इस तरह से ये माइनस ये 18 − 9 ये चीज हो गई। नाउ यहाँ पे 9 ये चीज हमारे पास है, ओके, अंदर ब्रैकेट में भी 3² डिफरेंस ही हो गया, 9 × 2n − 18 − 9, स्टिल यहाँ पे 9 को मैं 1 + 8 लिख सकता हूँ, ओके, −18 − 9, 1 + 6 × 2n का एक्सपांशन, सो यहाँ पे 9 ये होगा NC0 NC1 × 8 + NC2 8² + NC3 8³','NCn 8ⁿ
माइनस एट एन माइनस नाइन ओके तो यस वी कैन राइट हियर नाउ एन सी जीरो इज इक्वल टू वन प्लस यहां पे एन सी वन दैट इज एन एट सो ये होगा एट एन बाकी के सिटीज रखो ओके और यस एन सी एन इज इक्वल टू वन ऑल्सो यहां पे एट इज टू एन माइनस एट एन माइनस नाइन यस ना यहां पे इसको हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यस नाइन इंटू वन नाइन प्लस नाइन इट्स अ सेवेंटी टू एंड प्लस यस नाइन के साथ ये पूरा एक्सप्रेशन सो यस अगेन नाइन इसके साथ पूरा एक्सप्रेशन यानी कि एन सी टू एट स्क्वायर एन सी थ्री एट क्यूब डैश 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 एट रेस टू एन ओके माइनस एट एन माइनस नाइन ये जो दो टर्म से लास्ट में नाइन नाइन कट हो गया सेवेंटी टू एन माइनस एट एन तो ये होगा सिक्सटी फोर एन प्लस अगेन इस सारे टर्म में से एट स्क्वायर कॉमन क्योंकि एट का पावर बढ़ता हुआ जा रहा है एट स्क्वायर एट क्यूब एट प्लस टू फोर टू एट प्लस टू एन सब में से एट स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो नाइन इंटू एट स्क्वायर कॉमन तो यस एन सी टू प्लस एन सी थ्री एट प्लस डैश 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 एट रेस टू एन माइनस टू ये दोनों टर्म तो यहाँ पे मैंने एकोमोडेट कर दिए हैं एट स्क्वायर यानी कि 64 इन दोनों टर्म में से 64 कॉमन निकलेगा 64 ब्रैकेट में एन प्लस नाइन ओके और दूसरा ये जो चीज है ये सारे एनसीआर है एनसीआर वो कोई नेचुरल नंबर ही आएगा तो यस यू कैन राइट एन एन के वेयर के इज इक्वल्स टू एन सी टू एन सी थ्री इंटू एट प्लस एट एन रेस टू एन इज इक्वल टू सम पॉजिटिव इंटीजर ओके नाउ एन इज ऑलरेडी अ नेचुरल नंबर के इज अ नेचुरल नंबर नाइन इंटू के नेचुरल ये पूरा एक नेचुरल नंबर कोई मल्टीप्लायर आ गया और यस यहां पे 64 को हम लिख सकते हैं 16 फोर्स ओके इंटू एन प्लस नाइन के स्टिल ये भी कोई नेचुरल नंबर बनेगा तो ये 16 एम वेयर एम इज इक्वल्स टू फोर एन प्लस नाइन के दैट इज नथिंग बट सम पॉजिटिव इंटीजर ओके सो यस ये एक्सप्रेशन इज 16 इंटू सम पॉजिटिव इंटीजर दैट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 16 एग्जैक्टली ओके यहाँ पे कोई रिमाइंडर प्लस वन ऐसा बाकी नहीं रह रहा है ओके सो यस देयरफॉर यू कैन राइट लास्ट अल्टीमेटली देयरफॉर 3 रेस टू 2 एन प्लस टू माइनस एट एन माइनस नाइन इज डिविजिबल बाय 16 बिकॉज ये एक्सप्रेशन 16 इंटू सम इंटीजर के फॉर्म में आ रहा है तो ये 16 से डिविजिबल है कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा इस तरह से हम कर सकते ओके यस दिस इज एन इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ये इम्पोर्टेंट चीज है इस चैप्टर की ये चीज आपको ध्यान रखनी है और इस तरह से ये चीज करना है तो यस यहाँ पे ये डिविजिबल बाय 16 यस 16 लाने का ट्राई करना है 16 इज अ मल्टीपल ऑफ 2 या तो यस 8 का मल्टीपल ये चीज हो सकता है ओके यस यहाँ पे 3 रेस्टू 2 एन माइनस 2 माइनस 8 एन माइनस ये जो सिंपल है वो ऐसे एज इट इज रखी है जिसका पावर एन है उसको सेपरेट कीजिए ओके स्टिल इसमें 3 रेस टू 2n का डायरेक्टली में ये सेट का मल्टीपल या 2 का मल्टीपल नहीं आ सकता है बट 3 स्क्वायर करूंगा तो 9 9 को मैं 1 प्लस 8 इस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा तो यस उसका मल्टीपल मेरे पास आ सकता है ओके तो यस वो चीजें करके मैंने यस ये सिंप्लीफिकेशन बाकी आगे के जो एग्जाम्पल में किया वही तरीका मैंने अपनाया है और इस तरह से हम आगे निकल सकते हैं यस जो कट होते हैं वो कट करिए यस बाकी के टर्म्स यस अल्टीमेटली जो मुझे प्रूव करना है 64 इंटू समथिंग आ रहा है अगेन 64 इज इक्वल टू 16 फोर्स है तो यस यस 16 का कोई
ये 64 से डिविजिबल है तो 16 से भी डिविजिबल है, दैट वी कैन ऑल्सो से लाइक दैट ऑल्सो, बट इस तरह से 16 का बोला है तो 16 के फॉर्म में हम इसको लाके रख सकते हैं और इस तरह से ये प्रूव करना है. ओके, एग्जैक्टली इस टाइप का एग्जाम्पल आपकी एक्सरसाइज में है जो आपको होमवर्क में करना है. ठीक है, अभी ये लिख लीजिए. अब मैं एक्सरसाइज के कुछ एग्जाम्पल दिखा के आगे बढ़ते हैं. जो स्टूडेंट यहाँ पे ये सिंपल एग्जाम्पल है, बट 2x, x by x एक्सपांशन का एक मैं दिखा देता हूँ. एक्सपांड 2x - x/2 5. यस, ए माइनस बी होल रेस टू एन उसका ही एक्सपांशन है. माइनस साइन है तो प्लस माइनस ये करते हुए जाना है, वो चीज आपको लिखते हुए जानी है. ओके, तो यस यहाँ पे 2x - x/2 5 = ए 2x एंड बी एक्स बाय टू ये चीज होगी. यस, एन इज इक्वल टू 5 है तो यस ये होगा 5c0 ए रेस टू 5 बी रेस टू 0 माइनस, ये साइन का ध्यान रखना है, जब माइनस होगा तब माइनस यस 5c1 2x - 4 ऑफ एक्स बाय 2 यस बी रेस टू 1 प्लस 5c2 2x³ x/2 का स्क्वायर माइनस 5c3 2x का स्क्वायर x/2³ प्लस 5c4 2x² और x/2⁴ माइनस 5c5 x/2⁵. ओके, नाउ सिंप्लीफाई करते हैं. 5c0 दैट इज 1 और यस 1 इनटू 2⁵ दैट इज 32 होगा अपन x^5 माइनस 5c1 दैट इज 5 इनटू 2⁴ दैट इज 16 बाय x^4 इनटू x/2 प्लस 5c2 दैट इज 5 इनटू 4 2 इनटू 1 इनटू 8 बाय x³ इनटू x² बाय 4 माइनस 5c3 दैट इज नथिंग बट 5c2. एनसीआर इज इक्वल्स टू एनसीएन माइनस आर इस्तेमाल करोगे तो जैसे ये सेम चीज हमें लिखनी है 5 × 4. यस, ये चीज आप डायरेक्ट लिख सकते हो एनसीआर इज इक्वल्स टू एनसीआर करके इसका एक्सप्रेशन 5 × 4 2 × 1 यस इनटू 4 बाय x² इनटू x³ बाय 8. ओके, नाउ प्लस 5c4 दैट 5c4 इज नथिंग बट 5c1. एनसीआर इज इक्वल्स टू एनसीएन माइनस आर के हिसाब से 5c1 दैट इज ये 5 होगा 2 बाय एक्स इंटू x^4 अपन 16 माइनस 1 इंटू x^5 अपन 30. ओके, जितना कट होता है हम कट कर लेते हैं. 2 × 8 = यहाँ पे 4 × 4 = 2 4 × 4 = यहाँ पे 2 × 2 = 4 × 2 = 8 ये कट हो जाएंगे. यस यहाँ पे 2 × 8 = 6 यस यहाँ पे लिखेंगे हम 32/x^5 माइनस ये स्टिल x भी कट होंगे ना यहाँ पे, ये x कट होगा 3 बचेगा 40/x³. ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे भी x² कट होगा तो x बाकी रहेगा 5 × 4 = 20 प्लस 20/x. यस यहाँ पे भी x² कट होगा, x ऊपर रहेगा माइनस 5x. ओके, यस यहाँ पे ये चीज x 3. ओके, तो यस प्लस 5x³ बाय 8
minus x raised to 5 by 32. Yes, this is your answer. ये इसका expansion होगा, इस तरह से आप कर सकते हो. Okay? So yes, ये भी चीज हो सकती है. Yes, यहाँ पे और भी एक चीज हो सकती है. आपको इसको ब्रैकेट के अंदर सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो एलसीएम निकलेगा 2x और ऊपर होगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर रेस टू 5. तो आप इसको ये भी कर सकते हो, 4 माइनस एक्स स्क्वायर रेस टू 5 अपर 32 एक्स रेस टू 5. यस, इसको एक्सपांड करिए फिर तो हर एक टर्म के नीचे ये चीज रख के काट, यू कैन कट इट एंड ऑल्सो सिंप्लीफाई कर सकते हो. वो भी कर सकते हो, उस तरह से भी आप कर सकते हो. इस तरह से कर जाओगे तो भी ये भी कर सकते हो. दोनों तरीके से आंसर सेम ही आएंगे. ओके, जस्ट आपको एक्सपांशन का एक दिखाना था इसलिए मैंने जस्ट इस तरह का एग्जांपल इसमें आपको दिखा दिया. डायरेक्ट इस तरह से ये बी लेके आप जा सकते हो एच यहाँ पे, इसके अंदर आप सिंप्लीफिकेशन करके इस तरह से भी आगे बढ़ सकते हो. फिर जस्ट 4 माइनस एक्स स्क्वायर का आपको एक्सपांशन करना रहेगा. ए इज इक्वल टू 4 और बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वो चीज लिख के ए माइनस बी होल रेस टू 5 का जो एक्सपांशन होता है उस हिसाब से वो चीज आप लिख सकते हो. ओके, यस, दोनों में से कोई एक तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हो और इस तरह से ये एग्जांपल करने हैं. ओके, ऐसे ही फोर्थ और फिफ्थ एग्जांपल है, वो मैं आपको होमवर्क में दूंगा. ओके, ठीक है, कर लीजिए फटाफट, मुझे और एक एग्जांपल आपको दिखाना. ये स्टूडेंट यहाँ पे मैंने और एक एग्जांपल लिखा है. इट्स अ गुड एग्जांपल एंड इम्पोर्टेंट एग्जांपल और इजी भी है, डिफिकल्ट नहीं है. यहाँ पे फाइंड x प्लस वन होल रेस टू 6 प्लस x माइनस वन होल रेस टू 6, ये सी चीज मुझे फाइंड करनी है. Hence or otherwise evaluate root 2 plus 1 raised to 6 plus root 2 minus 1 raised to 6. यहाँ पे हमको क्या चीज ध्यान रखनी है, इस यहाँ पे देखेंगे तो x plus 1 raised to 6 और ये सेम है, सिर्फ a plus b और a minus b, बाकी सेम चीज है. ये आप फाइंड करोगे इसके ऊपर से डायरेक्ट, आप ये सिर्फ साइन चेंज करके प्लस माइनस करके सेम एक्सप्रेशन लिख सकते हो, उसका सम करके इसका आप आंसर फाइंड कर सकते हो ना. उसके ऊपर से हमें ये इवेल्युएट करना है, ये इवेल्युएट करना है तो ये इसको आप अगर इसके साथ कंपेयर करोगे तो ये जो आंसर आप फाइंड करोगे वो एक्स के फॉर्म में होगा और यहाँ पे सिर्फ एक्स की जगह पे क्या है रूट टू, बाकी प्लस वन रूट टू. यस, यही एक्सप्रेशन है, एक्स की जगह पे रूट टू है तो यस इसका जो आंसर आएगा उसमें एक्स इज इक्वल टू आप रूट टू रखोगे तो आपका आंसर डायरेक्टली ये चीज आपको मिल जाएगी. ओके, तो यस इस तरह से, और ये इम्पोर्टेंट चीज है और इस तरह के यस इसका बेस होता है एज इफ ये सेम नहीं लेकिन इसका बेस लेके यस जेनरली में एग्जांपल पूछे गए हैं. ठीक है, सो यस यहाँ पे फर्स्ट हम फाइंड करेंगे एक्स प्लस वन रेस टू 6. ओके, एक्स प्लस वन रेस टू 6 दैट मींस ए प्लस बी रेस टू 6 है, इसके एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स 7 होंगे, एन इज इक्वल टू 6 है तो यस ये होगा 6c0 एक्स रेस टू 6 प्लस 6c1 एक्स रेस टू 5 इंटू 1 का कोई भी पावर आप लिखोगे इज इंटू 1 प्लस 6c2 एक्स रेस टू 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 6c3 एक्स क्यूब इंटू 1 क्यूब प्लस 6c4 एक्स स्क्वायर इंटू 1 रेस टू 4 प्लस 6c5 एक्स इंटू 1 रेस टू 5 प्लस 6c6 इंटू 1 रेस टू 6. ओके, ए प्लस बी रेस टू एन एक्सपांशन नथिंग एस, ये 1 है 1 इंटू x raised to 6 plus 6c1 it will be 6 x raised to 5 plus 6c2 that means 6 ka 2 factorial tak ka 6 factorial ka 2 terms tak ka expansion divided by 2 factorial 2 into 1 x raised to 4 plus 6c3 6 factorial ka 3 term ka expansion so 6c3 hai na 6 into 5 into 4 upper 3 factorial 3 into 2 into 1 x cube plus 6c4 it's nothing but 6c2 ncr is equals to ncn minus r us hisab se to yes yahan pe 6 into 5 2 into 1 yes ye 6c2 ka hi likhna hai jo humne likha hai na first second one yes ye cheez hi likhna hai yes 6c okay sorry yahan pe x square okay plus yahan pe mere paas ye term to aa gaya 6c5 it's nothing but 6c1
एनसीआर इक्वल्स टू एनसी एन माइनस आर के हिसाब से ये 61 होगा, वो होगा 6, सो 6 एक्स प्लस 61 1 1। ओके नाउ यहां पे 2 3 ये 6 कट हो गए 2 3। ओके नाउ वी विल राइट द एक्सप्रेशन x raised to 6 plus 6 x raised to 5 plus 15 x raised to 4 plus 6 कट हो गया है 20 x cube plus 15 x square plus 6x plus 1। ओके ये हुआ हमारे पास x plus 1 raised to 6। Now x minus 1 के लिए पूरा करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे प्लस माइनस यही एक्सप्रेशन प्लस माइनस करोगे x raised to, similarly x minus 1 raised to 6, so yes यही x raised to 6 ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस हो जाएगा प्लस ये माइनस प्लस। ओके प्लस माइनस प्लस माइनस यस ये चीज हो गई ये 2 यस। नाउ 1 प्लस 2 जो हमें फाइंड करना है, देयरफॉर एक्स प्लस 1 रेस टू 6 प्लस एक्स माइनस 1 रेस टू 6 इन दोनों का सम हो गया। यस यहाँ पे देखेंगे तो यस ये इक्वल एंड अपोजिट है, ये सारे कट हो जाएंगे, सिर्फ ये टर्म और ये टर्म बचेंगे, बाकी तीन टर्म कट हो जाएंगे ऐड करेंगे क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट है और ये 2 टाइम्स होंगे एक्स रेस टू 6 प्लस एक्स रेस टू, दैट इज ये 2 एक्स रेस टू 6 प्लस 15 एक्स रेस टू 4 प्लस 15 x square plus 1। ओके 1 प्लस 1 2 कॉमन हमने निकाल दिया है। ओके तो ये यही एक्सप्रेशन लिखना है हमें x raised to 6 15 x raised to 4 20 15 x square plus 1 yes, ये आपका जो फाइंड करने को कहा था ये चीज। ओके नाउ इसको आप 3 बोलो। नाउ अब जो हमें फाइंड करने को कहा है रूट 2 प्लस 1 यस ये सेम एक्सप्रेशन है सिर्फ एक्स की जगह पे रूट टू, तो ये यहाँ पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है कुछ नहीं। ओके 4 फाइंडिंग रूट 2 प्लस 1 रेस टू 6 प्लस रूट 2 माइनस 1 रेस टू 6 सब्स्टिट्यूट एक्स इज इक्वल्स टू रूट 2 इन इक्वेशन। ओके एक्स की जगह पे रूट 2 सो यस रूट 2 प्लस 1 रेस टू 6 प्लस रूट 2 माइनस 1 रेस टू 6 2 यस। अब ब्रैकेट में एक्स रेस टू 6 एक्स की जगह पे रूट 2 हमने लिया है तो रूट 2 रेस टू 6 प्लस 15 रूट 2 रेस टू 4 प्लस 15 रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1। ओके सो 2 रूट 2 रेस टू 6 यानी 2 रेस टू 1 बाय 2 सो 2 क्यूब होगा ये और स्टिल अभी मैं लिख रहा हूं चलो 6 प्लस इस तरह से सेम वे 15 रूट 2 रेस टू 1 बाय 2 प्लस 15 2 रेस टू 1 बाय 2 होल स्क्वायर प्लस 1 सो 2 ये हो जाएगा 2 क्यूब प्लस 15 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 15 इंटू 2 प्लस 1 सो 2 8 प्लस 60 प्लस 30 प्लस 1 दैट इज 2 इंटू 99 इज इक्वल टू 198। ओके सो यस ये आपका आंसर होगा इवोल्यूशन आएगा। ओके सो यस इस तरह से एग्जाम्पल करने हैं, इजी वे है, नथिंग डिफिकल्ट बट केयरफुल अबाउट द साइंस। और यस
बी स्मार्ट इनफ, सब अलग अलग चीजें फाइंड करने की जरूरत नहीं है, ये फाइंड हो गया तो ये सेम चीज ही है हमारे पास, सिर्फ यहाँ पे साइन चेंज है, तो ये उसके ऊपर से डायरेक्टली ये साइन चेंज प्लस माइनस करके ये एक्सप्रेशन लिख सकते हो, फिर इन दोनों का सम जो हमें रिक्वायर्ड कहा गया है, और इसके ऊपर से ये चीज इवेल्यूट करनी है, तो ये जो इवेल्यूट करनी है वो सेम चीज है, सिर्फ यहाँ पे एक्स की जगह पे रूट टू है, तो ये जो एक्स के लिए जो एक्सप्रेशन आया वहां पे उसमें एक्स की जगह पे हम रूट टू रखेंगे, जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे तो वी कैन इजीली गेट द आंसर। ओके, सो इस तरह से ये एग्जांपल करने हैं, आज का होमवर्क मैं अभी लिख रहा हूं, एक्सरसाइज 8.1 एग्जांपल 4-5 जस्ट थोड़ा ज्यादा दे रहा हूं, सब इजी है, 6, 7, 8, 9, 10 and 11 यस सारे एग्जाम्पल मैंने करवाए हैं, उसके बेस पे ये नया कुछ नहीं, सिमिलर एग्जाम्पल है, कुछ नई चीज नहीं है, वो चीज आपको करनी है। ओके, सो यस इतना होमवर्क रहेगा, एंड जस्ट प्लीज सबमिट द होमवर्क, आपने से कोई भी होमवर्क सबमिट नहीं करा है अभी, सो प्लीज जिस तरह से सर बोल रहे हैं अकॉर्डिंगली आप होमवर्क करते हुए जाइए, जो काम दिया जाता है ये सुना करते हुए जाइए, प्लीज डू सबमिट द योर होमवर्क। ओके, सो यस आज का लेक्चर मैं यहाँ पे फिनिश कर रहा हूँ। ओके, अभी इस 8.1 में एक एग्जांपल बाकी है, 14th वाला। ओके, यस यहाँ पे 13th वाला भी आपको करना है, सॉरी, यस 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 ये मैंने दिखा दिया है, ओके सॉरी 13th वाला भी आपको करना है। ओके, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट वन। ओके, यस जो मैंने करवाया ऑलमोस्ट हो ही गया है। ओके, सिर्फ 14th वाला बाकी रहता है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा, और आगे इसमें दूसरा जनरल टर्म एंड मिडल टर्म। ओके, इससे वो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो चीज हम देखेंगे। ओके, तो दैट्स इट।